हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं मसूर की और पालक की तड़के वाली दाल। तो आइए हम बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मसूर की दाल। इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे पानी जितना आपको चाहिए, और इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच, गरम मसाला एक छोटा चम्मच, धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच और हींग एक चुटकी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। अब हम ले लेंगे पालक के पत्ते। इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, इसे हम काट लेंगे। और इस दाल में अब हम मिक्स कर देंगे कटे हुए टमाटर। अब साथ में हम ले लेंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। इन सबको अच्छे से कूट लेंगे और दाल में हम इसे मिक्स कर देंगे। अब इसे हम पकने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे ढककर, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तब तक हम पालक के पत्ते कट कर लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पालक के पत्ते हैं और मसूर की दाल है, ये बहुत जल्दी पक जाता है। तो इसे हमें कुकर में पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आराम से छोटे से पतीले में भी पक जाता है। ये हमारा रेडी हो गया है बनकर। अब इसे हमें तड़का लगाना है। तो तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। इसके साथ हम डाल देंगे जीरा, तेज पत्ता और लाल मिर्च। इसे अच्छे से हम पका लेंगे और हमें इसे तड़के में डाल देना है दाल में, कुछ इस तरीके से। ये हमारा रेडी हो गया मसूर और पालक की दाल। बहुत सिंपल है और बहुत ही स्वादिष्ट है, फटाफट बन जाता है, कोई भी बना सकता है। बैचलर हो, सिंगल हो या मैरिड हो या बहुत परेशान हो, और ये बनाइए, रोटी के साथ खाइए, दाल के साथ खाइए, फटाफट से बन जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।